हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो DSSB है आपका, इसने आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया है कुछ दिनों पहले और वैकेंसीज निकाली है आपकी TGT पोस्ट के लिए। ठीक है, TGT के अलावा आपको पटवारी, असिस्टेंट टीचर, नर्सरी टीचर, इन सभी की पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी है। पर हम बात करें TGT की, तो TGT पोस्ट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले इस DSSB एग्ज़ाम के, वो आपके 25 मई 2021 से स्टार्ट होंगे और 24 जून 2021 तक चलेंगे। ठीक है, यानी कि ओपनिंग डेट क्या है आपकी, 25 मई 2021 से ओपनिंग हो जाएंगे आपके फॉर्म फिल करना, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 24 जून, यानी कि 1 मंथ तक आपके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के, आपकी जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका 12 मई 2021 को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था DSSB ने, और जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की मैंने बताई अभी आपको, 25 मई 2021 रहेगी, और लास्ट डेट क्या रहेगी, 24 जून 2021। इसके बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और जो एग्ज़ाम डेट है वो बताइए आपकी, 15 जनवरी 2022 ये एक्सपेक्टेड डेट है, इसमें आपका चेंजेस हो सकता है बाद में, और रिजल्ट डेट 31 मई 2022 बताई गई है, ये भी एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी जो DSSB ने निकाली है TGT पोस्ट के लिए ओनली, वो है 6258 वैकेंसीज आपकी निकाली है। किसके लिए निकाली है, ओनली TGT पोस्ट के लिए। अदर पोस्ट के लिए, जैसे कि आपकी DSSB ने नोटिफिकेशन जारी किया है, कौन कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, पटवारी, काउंसलर, हेड क्लर्क और पटवारी, ये अदर वैकेंसीज है, इनके लिए भी वैकेंसीज निकाली है। तो टोटल मिला के आप बात करो तो 7236 टोटल वैकेंसीज आपकी DSSB ने इस बार जारी की है। ठीक है, और TGT के लिए पोस्ट के लिए आपकी 6258 वैकेंसीज इस बार निकाली है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो DSSB ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है उसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा CTET एग्ज़ाम पास होनी चाहिए, आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। बाकी देखा जाए तो मैक्सिमम जो आपकी पोस्ट है उसके लिए CTET को एक पास मांगा गया है। ठीक है, CTET आपके पास होनी चाहिए, और BEd भी किसी किसी पोस्ट में मांगी गई है। उसके अलावा कैंडिडेट की जो एज है वो आपकी 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज और अलग अलग क्राइटेरिया है, और एज में आपको छूट भी दी गई है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपकी जो एग्ज़ाम रहेगी वो 3 स्टेज में होगी, 3 स्टेज रहेंगे आपके एग्ज़ाम के, टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड और स्किल टेस्ट। ठीक है, टायर फर्स्ट में आपका क्या होगा, ये एक रिटर्न टेस्ट होगा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे आपके, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। तो हमारे चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस, GK, साइंस, मैथ्स, इनके लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं। आपकी टोटल 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ हमने चलाई हुई है GK की, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हो, और साइंस की भी आपकी 1,000 सीरीज़ चली हुई है जनरल साइंस की, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी आने वाले टाइम में हम मैथ्स और रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हो। अब बात करते हैं टायर सेकंड की, टायर सेकंड में क्या होगा, इसमें भी आपकी 2 स्टेज रहेंगी, टायर फर्स्ट तो आपका हो गया, उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और टायर सेकंड में भी आपकी 2 स्टेज रहेगी। इसमें आपका टायर फर्स्ट एग्ज़ाम जो रहेगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, इसमें सिमिलरली आपके जो टायर फर्स्ट हुआ था उसी की तरह आपके MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और जो टायर सेकंड होगा उसमें क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, इसमें आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ लिखना रहेगा उसमें, तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब थर्ड बात करते हैं स्किल टेस्ट की, जो स्किल टेस्ट रहेगा वो बेसिकली इंटरव्यू राउंड होता है। ठीक है, इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और आपकी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं जो एज लिमिट है, एज लिमिट में आपका TGT की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 32 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि जो TGT के लिए अप्लाई कर रहा है उनकी एज 32 साल से कम होगी तो ही वो एलिजिबल है। और बात करते हैं आपकी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, यानी कि LDC की, तो इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 27 साल के बीच की मांगी गई, यानी कि कैंडिडेट की एज अगर 18 से 27 साल के बीच है
तो वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। बात करते हैं पटवारी पोस्ट की, तो 21 से 27 साल इसमें मांगी गई है, और अदर पोस्ट की बात करें तो आपका 30 साल से कम होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है, ये ध्यान रखना एज क्राइटेरिया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, इसमें आपको करना है 25 मई से 24 जून के बीच में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और उसके बाद आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आपको जो प्रिंट आउट मिलेगा वहाँ से उस प्रिंट आउट को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आ सकता है, तो वहाँ आपका वो डॉक्यूमेंट काम आएगा, इसलिए आपको संभाल के रखना है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हो तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जनरल और ओबीसी के लिए रखी गई है 100 रुपीज़, और अदर कैंडिडेट जैसे कि एसटी और एससी के जो कैंडिडेट है आपके, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपीज़ है, और एसटी एससी वालों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो ये हमारी TSSB की पूरी जानकारी थी, आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे कि क्या क्या सिलेबस इसका है, क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, और आपको GK और GS के लिए जो लेक्चर चाहिए वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और डेली अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से वो लेक्चर्स देख सकते हैं आपकी TSSB की तैयारी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू गाइज़।